इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने ख्वाबों का एक तवील सफर तय किया है, लाइल्मी से इल्म का सफर, खौफ से एतमाद का सफर, बेयकीनी से यकीन का सफर। इन्होंने सुबाई सतह पर होने वाला इम्तिहान PMS पास किया है, जिसका इनेकाद हर साल PPSC करवाता है। जिंदगी में कामयाबी के लिए एक एग्जाम पास कर लेना ही काफी नहीं होता, एलोकेशन हासिल करके उनका पहला पड़ाव MPDD है, जो कि PMS एम्प्लॉयज की सलाहियतों को निखारने के लिए पहली काविश है। MPDD हॉस्टल आने पर नौजवान ऑफिसर्स के चेहरे पर खुशी नुमाया है, लेकिन मुस्तकबिल की आजमाइशों का सोचकर दिल में कहीं इस्तराब और बेचैनी भी है, ताहम साथ ही अपनी सलाहियतों पर एतमाद भी। हॉस्टल लाइफ का आगाज रूममेट से मिलने से होता है। ऑफिसर्स को चाकू चौबंद और वक्त का पाबंद बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग का एहतमाम रोज सुबह किया जाता है। नींद से बोझल आंखों और लड़खड़ाते जिस्मों के साथ ये नौजवान ऑफिसर्स ग्राउंड में पहुंचते हैं तो हॉस्टल वार्डन उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में खुशामदीद कहते हैं। लिबास शख्सियत का आईना होता है और सिविल सर्वेंट के लिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, इसलिए MPDD में लिबास की तराश खराश पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। हॉस्टल से MPDD का सफर जल्द कट जाता है और ऑफिसर्स के दरमियान मुकाबले की दौड़ बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन पर जल्द से जल्द हाजिरी लगाने की कोशिश के साथ शुरू हो जाती है। दिन का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन लेक्चर देने के लिए आते हैं और हसूल इल्म के मुतलाशी ये अफसरान उनसे कई सवाल जवाब करते पाए जाते हैं। ये सवाल मंतकी और तज्जियाती नौयत के होते हैं। मैस हॉल ऑफिसर्स की पसंदीदा जगह है। यहाँ वो ना सिर्फ अच्छे खाने से लुत्फंदोज होते हैं बल्कि आपस में खूब गपशप भी करते हैं। शाम को खेलों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो रात गए तक जारी रहता है। कुछ लोग बैडमिंटन पे जोर आजमाई कर रहे होते हैं तो कुछ टेबल टेनिस की मेज पर दस्त आजमा रहे होते हैं। रात को कम सोने के नतीजे में कुछ लोग क्लास में मदहोश पाए जाते हैं। कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लेती है जब इनको जगाने के लिए एक्सप्लेनेशन लेटर्स दिए जाते हैं। ये लेटर्स सोए हुओं को तो जगाते ही हैं, साथ ही में जागे हुए को भी चुकन्ना कर देते हैं। MPDD भी जिंदगी की तरह इम्तिहानों से भरी हुई है। हर हफ्ते एक नया इम्तिहान ऑफिसर्स का मुंतजर होता है, जिसकी तैयारी इम्तिहान से एक रात पहले की जाती है, जिसमें तैयारी कम और सारे दिनों की थकन का इकट्ठा एहसास मौजूद होता है। एग्जाम में जो कोई नकल लगाने की गर्ज के साथ वाले की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है तो दूसरा पहले से ही इसकी तरफ आज भरी नजर से देख रहा होता है। 6 महीने की प्रेजेंटेशन का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी रहता है, जिसकी तैयारी के लिए ग्रुप मेंबर्स में काफी हेल्दी डिस्कशंस होती है और इस तैयारी का नतीजा प्रेजेंटेशन वाले दिन साफ नजर आ रहा होता है। खबरम रसीद इमशब के निगार खाहियाम, मुझे खबर मिली है कि आज शाम मेरा महबूब आ रहा है। सरे मन ऑफिसर्स की तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शने और नए जिंदगी को नए अंदाज से देखने में मदद करने के लिए अदबी एक्टिविटी का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें ऑफिसर्स अपने मुख्तलिफ अशार, मजामीन और अफसाने पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ये नौजवान MPDD से बाहर को शहर एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं और इस एक्सप्लोरेशन का अहम हिस्सा जिम खाना क्लब होता है। 1, 2, 3 6 महीने की इस ट्रेनिंग में वाकफियत मिजाज आशनाई से होती हुई दोस्ती में ढल जाती है। नए दोस्त नई तवानाई देते हैं, चीजों को नए तरह से देखने का ढंग सिखाते हैं। दोस्ती नए जज्बों से रोशनास कराती है।
ये दोस्ती ना सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर्स को जाती जिंदगी में मदद देती है बल्कि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के हवाले से अहम है। ट्रेनिंग के अख्ताम पर नॉस्टैल्जिया और उदासी ने सबको घेर लिया है। वो ट्रेनिंग जो बहुत मुश्किल लगती थी अब पीछे मुड़कर देखते हुए बहुत सी हसीन यादें लिए हुए थी। दोस्तों की याद को दिल में बसाए और गुजरे हुए दिनों और मनाजिर को आंखों में भारी दिल से अलविदा करते हैं क्योंकि इस सफ़र में आंसू भी निकले और मुस्कुराहटें भी बिखरीं। कभी प्यार और कभी नोक झोंक के इस सफ़र में जीत मेहनत इत्तेफाक और मोहब्बत की हुई। आखिर में याद रखने की बात यह है कि ये नौजवान चेहरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुश्किलात के इस कड़े दौर में इन्हें पहले से ज्यादा मेहनत, लगन और ईमानदार हौसला चाहिए ताकि ये पाकिस्तान को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने में अपना किरदार अदा कर सके। इंशाल्लाह इन्हीं के लिए हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कनात न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमंद, और यकीनन उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद।